प्रोडक्ट सभी अच्छे हैं पर कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है अपनी बात सुनने का, मेन प्रॉब्लम ये है। तो आपने सबसे पहले क्या बताया था, लिप बाम के बारे में। तो मार्केट की लिप बाम यूज करने से क्या दिक्कत आती है, वो एक लाइन बोलनी है जस्ट, तो कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे तो बिकता है प्रोडक्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या होती है और सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करो पहले। कि मार्केट की लिप बाम यूज करने से अक्सर कर हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त लिप बाम है जिसमें सिया बटर वगैरह वगैरह ये जो है, बस इतना सा बोलना है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, हमको तो बहुत ही मजा आया। तो ये जो जब हम बहुत सारा बोल रहे हैं ना, उसकी बजाय एक लहजे में जब आवाज जो निकलती है, बहुत ही मजा आया हमको, तो बहुत ही मजा आया। ऐसे बोला जितने में तो बात सेट हो गई। प्रॉब्लम पहले बताइए कि अक्सर कर हमको ये बाजार से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे कस्टमर एकदम अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम तो दूर करनी है। तो ये थोड़ा सीखे, फर्स्ट आप प्रॉब्लम को रखें, दूसरी अपनी एक लाइन में बात को कवर करें, और तीसरा हमको बहुत मजा आ रहा है या किसको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम में तो गड़बड़ हो जाता है। एक शब्द सबको आता है ना, एक शानदार शब्द सबको आता है, जबरदस्ती सबको आता है, लाजवाब भी सबको आता है, बेहतरीन भी सबको आता है। तो ये जो ये 5-7-10 शब्द है ना, ये आप रखें अपनी मेमोरी में, ये हर जगह यूज करेंगे। बहुत ही लाजवाब वो है, जब ये प्रोडक्ट बताया था तो लाजवाब, एक लाइन बोलते ही इसमें बहुत सारा वो आ जाता है। और किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है ये अगर हम स्थापित कर सके, तो वो थोड़ा सा, इतना टाइम थोड़ी देता है कस्टमर कि आप उसको पूरा 10 मिनट 5 मिनट तक किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते रहो। अगर हम वंडरवर्ल्ड वगैरह पे खड़े हैं, तो वहां पे हमको एक लाइन बोलनी होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और नॉर्मली भी हम बताएंगे तो 1-2 लाइन से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सुनता है, उतना टाइम ही नहीं होता है। अगर ऐसे बताएंगे तो हम, तो हमें ज्यादा क्या सीखना होता है, दो पंच लाइन, एक पंच लाइन। तो कोशिश करें पंच लाइन आज थोड़ा अभ्यास करें, कि वो बहुत ज्यादा तो वही काम आती है। इतना डिटेल में जैसे बता रहे हैं, तो कोई कस्टमर आपके पास रेट करके सुनता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, इतना मौका तो मुझे तो आज तक नहीं मिला कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में इतना बता पाए।